मैं आज आपके बीच आया हूं। 2022 में आजादी के 75 साल होने वाले हैं। हमारे देश के वीर शहीदों ने तिरंगे झंडे को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, स्वराज्य के लिए लड़े थे, हमें सुराज्य के लिए लड़ना है। हम उस समय संकटों से निकलना चाहते थे, अब हम समृद्धि की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, और इसलिए तिरंगा झंडा ही हमारे आगे के काम की प्रेरणा है। आपको लगेगा ये मोदी तिरंगा झंडे वाली क्यों बात बता रहा है, मैं जरा समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारे तिरंगा उसमें तीन मुख्य रंग से झंडा बना है, केसरिया है, सफेद है, हरा है, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। चार हो गए, और पांचवा मजबूत डंडा है जिस पे तिरंगा झंडा लहरता है। पांच चीजें हैं। तो भाइयों बहनों, इन पांचों को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक, हम केसरिया क्रांति करना चाहते हैं, और जब मैं केसरिया क्रांति कहता हूं तो जो अपने आप को हिंदू विरोध में ही सेक्युलरिज्म दिखता है उनके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और पता नहीं आज रात तक मेरे बाल नोच लेंगे। लेकिन मैं केसरिया क्रांति का मेरा मतलब है, केसरी रंग ऊर्जा का रंग है। देश में ऊर्जा की क्रांति चाहिए, चाहे कोयले से हो, चाहे पानी से हो, चाहे हवा से हो, या सूरज की गर्मी से हो, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बहुत आगे बढ़ाना है। तो हमारा तिरंगे झंडे का एक केसरिया रंग हमें ऊर्जा क्रांति की प्रेरणा देता है। दूसरा है सफेद रंग। सफेद हमें श्वेत क्रांति की प्रेरणा देता है। यह हमारा श्वेत रंग दूध की क्रांति, अंडे हो, कॉटन हो, चीनी हो, इन सारे क्षेत्रों में हमें एक नई क्रांति लाने की प्रेरणा देता है। तीसरा हरा रंग है। हरा रंग ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रेरणा देता है, हमें कृषि क्रांति की प्रेरणा देता है, और कृषि क्रांति अब आधुनिकता वाली कृषि, वैल्यू एडिशन वाली कृषि, टपक सिंचाई वाली कृषि, उसको हम बल देना चाहते हैं। और चौथा रंग है नीला, ब्लू रिवॉल्यूशन। हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे नदी तट के मछुआरे भाई बहन, हमारे पानी की ताकत, हमारे समुद्री तट की ताकत, हमारी नदियों की ताकत, इसको हम बल देकर के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये झंडा आसमान में कब लहराएगा और ऊंचा कब जाएगा, जब डंडा मजबूत होगा। अगर डंडा ऐसा ही है तो कुछ नहीं होगा। और ये मेरे लिए डंडे का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ऊंचा हो, इतना मजबूत हो, दुनिया को भी मेरा तिरंगा झंडा दिखाई दे। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार से ये डंडा आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान है। तो ये पंचपथ पर 2022 आजादी के 75 साल,
इसी तिरंगे झंडे से प्रेरणा लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं।